यस प्लीज। अभी तक हमने जो होल्डिंग के क्वेश्चंस किए हैं उनमें आपने देखा होगा कि जो इन्वेस्टमेंट होती है हमारी, जो होल्डिंग कंपनी करती है और जिस डेट को हमें बैलेंस शीट दे रखी होती है वो सेम है। यानी कि अगर आपको 31 मार्च 2016 की बैलेंस शीट दे रखी है तो जो इन्वेस्टमेंट है वो भी दिया होगा कि वो 31 मार्च 2016 को हुई। यू कैन गो बैक एंड चेक ऑल योर क्वेश्चंस यू हैव डन कि उसमें जो डेट ऑफ बैलेंस शीट है जिस डेट को वो दिया हुआ है और जिस डेट को हमने इन्वेस्टमेंट की है वो सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते हैं तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में से हम माइनस करते हैं पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर और माइनस करते हैं कैपिटल प्रॉफिट्स का शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी। यही हमने माइनस किया था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टर्म लिखी थी कैपिटल प्रॉफिट्स। कैपिटल प्रॉफिट्स हमने क्यों लिखी थी कि हमने ये कहा था कि जो प्रॉफिट्स होते हैं ये वाले जो उस डेट को अगर शेयर एक्वायर किए और उसी डेट को ये बैलेंस शीट है तो इसका मतलब ये उससे पहले के प्रॉफिट्स हैं। तो एक्विजिशन से पहले के जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं वो कैपिटल प्रॉफिट्स कहलाते हैं। तो अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें क्या होगा कि जो इन्वेस्टमेंट की डेट है और जो बैलेंस शीट की डेट है वो डिफर करेगी। और अगर ये डिफर करेगी तो हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि जो प्रॉफिट्स हैं उनमें से कैपिटल प्रॉफिट्स कौन से हैं और रेवेन्यू प्रॉफिट्स कौन से हैं। क्योंकि जो तो हमारे कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं उनका ट्रीटमेंट हमें यहां पर करना होता है और रेवेन्यू प्रॉफिट्स का ट्रीटमेंट कहाँ होता है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो अभी हमें जो क्वेश्चंस हमने पहले किए हैं उनमें क्या था कि हमारी जो डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट थी और जो बैलेंस शीट दे रखी थी वो सेम डेट को थी और सेम डेट होने की वजह से उस डेट तक के सारे प्रॉफिट्स कैपिटल प्रॉफिट्स थे। तो हमने वो सिंपल ट्रीटमेंट किया और क्वेश्चंस कर दिए। ठीक है, अब अगर डेट डिफरेंट होगी तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रॉफिट्स हैं प्रायर टू एक्विजिशन वो होते हैं कैपिटल प्रॉफिट्स और प्रॉफिट्स आफ्टर एक्विजिशन ऑफ शेयर्स जो होंगे वो होंगे रेवेन्यू प्रॉफिट्स। पहले तो ये बात क्लियर हुई कि एक्विजिशन से पहले के प्रॉफिट्स कौन से होते हैं? कैपिटल नेचर के। और एक्विजिशन के बाद के जो प्रॉफिट्स होते हैं वो कौन से प्रॉफिट होंगे? वो रेवेन्यू, क्योंकि वो अब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आ जाएंगे। एक्वायर कर लिया है, अब उसका भी बिजनेस है, वो काम कर रहे हैं रूटीन कोर्स में, तो उसमें जो भी प्रॉफिट्स होंगे अब वो कौन से प्रॉफिट्स कहलाएंगे? वो रेवेन्यू प्रॉफिट्स कहलाएंगे। यहां तक क्लियर है? यस मैम। ओके, अब हमने देखना है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। यानी कि जो हमारे प्रॉफिट्स होंगे कैपिटल नेचर के या जो हमारे रेवेन्यू नेचर के प्रॉफिट्स होते हैं हम उनको दिखाते कहाँ पर हैं। तो अभी मैं आपको एक चीज करके बताऊंगी इनका बाइफर्केशन। सो लेट अस टेक कि मैंने आपसे कहा कि एक है मेरे कैपिटल प्रॉफिट्स और एक है रेवेन्यू प्रॉफिट्स। मैंने उनको अलग अलग भी कर लिया कि ये कैपिटल है और ये रेवेन्यू है। तो इन कैपिटल प्रॉफिट्स में होल्डिंग कंपनी का शेयर होगा और माइनॉरिटी का शेयर होगा। इन रेवेन्यू प्रॉफिट्स में भी होल्डिंग कंपनी का शेयर होगा और माइनॉरिटी का शेयर होगा। तो ये कहाँ कहाँ जाते हैं? कैपिटल प्रॉफिट्स में होल्डिंग कंपनी का जो शेयर है वो मैंने आपको बताया है कि हम जब वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में से माइनस करते हैं पेड अप वैल्यू ऑफ कैपिटल, उसके साथ ही हम माइनस करते हैं शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन कैपिटल प्रॉफिट्स। ये तो हम पहले भी करते आए हैं, लेकिन पहले हमें अलग अलग प्रॉफिट्स निकालने नहीं थे क्योंकि सारे के सारे ही कौन से थे? कैपिटल प्रॉफिट्स थे।
अब बात आती है कि कैपिटल प्रॉफिट्स में माइनॉरिटी का शेयर कहाँ जाएगा। तो कैपिटल प्रॉफिट्स में माइनॉरिटी का शेयर जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। अब आ गए रेवेन्यू प्रॉफिट्स। रेवेन्यू प्रॉफिट्स में माइनॉरिटी का शेयर जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। और होल्डिंग कंपनी का शेयर कहाँ जाएगा? होल्डिंग कंपनी का शेयर जाएगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो हम बनाएंगे, उस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जो हम नोट्स टू अकाउंट्स का लिखते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस सेकंड पार्ट, उसमें हम ऐड कर देंगे शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। यानी कि जहां पर हम अपने प्रॉफिट्स ये वाले लिखेंगे सरप्लस रिजर्व्स, वहां पर हम ये वाले भी ऐड कर देंगे। पहले ये ट्रीटमेंट समझ में आया, निकालते कैसे हैं वो मैं अभी बताऊंगी। ट्रीटमेंट समझ में आया कि कैपिटल प्रॉफिट्स में होल्डिंग का शेयर कहाँ जाएगा और माइनॉरिटी का शेयर कहाँ जाएगा, रेवेन्यू प्रॉफिट्स में होल्डिंग का शेयर और माइनॉरिटी का शेयर कहाँ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ओके, अब देखते हैं कि हमने इसको फाइंड आउट कैसे करना है। लेट अस टेक अ क्वेश्चन। सो आई हैव टेकन अ स्टेटमेंट कि आपको इक्विटी एंड लाइबिलिटीज दी हुई हैं 31 मार्च 2016 को। शेयर कैपिटल है 25 लाख एंड 10 लाख होल्डिंग कंपनी की और सब्सिडरी की। रिजर्व्स हैं 5,50,000 एंड 2,80,000। देन सरप्लस 2,90,000। ट्रेड पेबल्स गिवन है आपको, फिक्स्ड असेट्स गिवन है। देन आपको गिवन है इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है कितनी, 9,50,000। एंड करंट असेट्स है 3 लाख एंड 3,45,000। अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस हैं 25,000 के। नाउ नीचे इंफॉर्मेशन गिवन है कि शेयर्स जो हैं वो एक्वायर किए गए थे 1 अप्रैल 2015 को। जनरल रिजर्व थे 2,20,000 उसी डेट को और P&L थे 20,000 उसी डेट को। अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस जो कि 2016 में भी राइट ऑफ नहीं किए गए थे। तो अब आप देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से कि आपको जो बैलेंस शीट दे रखी है वो कौन सी डेट की दे रखी है, 31 मार्च 2016, ठीक है। और जो आपको एक्विजिशन ऑफ शेयर दे रखा है वो कब का दे रखा है कि शेयर्स कब एक्वायर हुए, शेयर्स एक्वायर्ड दिया हुआ है 1 अप्रैल 2015 को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने शेयर्स एक साल पहले एक्वायर किए हैं जिस डेट को बैलेंस बन रही है। वेट अ मिनट, विजिबल है स्क्रीन? यस मैम। ओके, जिस डेट को हमने शेयर्स एक्वायर किए हैं वो है 1 अप्रैल 2015। तो ये जो डेट है ये आप देखिए ये ठीक इससे एक साल पहले की है। यस मैम। अब इस डेट को उन्होंने हमें बताया कि हमारे जनरल रिजर्व थे 2,20,000 और प्रॉफिट एंड लॉस था 20,000। तो मैंने आपसे कहा कि एक्विजिशन से पहले के सारे प्रॉफिट्स हमारे कौन से प्रॉफिट्स होते हैं, कैपिटल प्रॉफिट्स। तो जनरल रिजर्व और P&L 1 अप्रैल 2015 जिस दिन हमने शेयर्स एक्वायर किए हैं उस डेट तक हमारे ये प्रॉफिट्स थे। तो उस डेट तक ये प्रॉफिट्स थे हमारे। तो कैपिटल प्रॉफिट्स कितने निकल आए, टू लैख 40,000 के कैपिटल प्रॉफिट्स आ गए। अब इसमें एक चीज और है जो कि आपको ये दिया हुआ है कि अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस हमने 2016 में भी राइट ऑफ नहीं किए थे। तो इसका मतलब ये पहले के थे, अभी के तो नहीं है। अगर हमारे एक्सपेंसेस इस साल हुए होते तो हमें पता होता कि यहाँ पे कुछ मेंशन होता। अब लिखा है कि नॉट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 तक नहीं किए गए। तो इसका मतलब ये पहले के हैं। तो पहले के हैं तो कैपिटल प्रॉफिट्स में से एक्चुअल कैपिटल प्रॉफिट्स निकालने के लिए हमें ये भी इसमें से माइनस करने पड़ेंगे। तो अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस हैं हमारे 15,000। तो टोटल कैपिटल प्रॉफिट्स आ गए हमारे 2,50,000।
15,000. तो ये कैपिटल प्रॉफिट्स हमारे जो नेट निकले वो यहाँ लिखेंगे हम कैपिटल प्रॉफिट्स. ठीक है, नाउ वी विल कैलकुलेट रेवेन्यू प्रॉफिट्स. तो रेवेन्यू प्रॉफिट्स देखने के लिए हमने देखा हमारे पास दो चीजें हैं, एक रिजर्व्स और एक सरप्लस. तो रिजर्व्स और सरप्लस, जनरल रिजर्व 2015 2016 में जनरल रिजर्व कितने थे हमारे, 2,20,000, और 2016 में दे रखे हैं 2,80,000. इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर जिस डेट को हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो वो पूरे साल की है, 1 मार्च 2015 से 31 मार्च 2016 तक की. तो उस ड्यूरिंग दैट ईयर हमने कितने ट्रांसफर किए जनरल रिजर्व में, 60,000 ट्रांसफर किए. यस मैम. अगर आपके पास 2015 तक जनरल रिजर्व में 2,20,000 पड़े थे और 2016 में आते आते ये 2,80,000 हो गए, तो इस एक साल के अंदर आपने जनरल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर किया, 60,000. सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस में मेरे पास सरप्लस में बैलेंस था यहाँ पर 20,000 और 2016 की बैलेंस शीट दिखा रही है ये बैलेंस 90,000. तो मैंने साल में कितना ट्रांसफर किया, 70. तो टोटल मैंने कितने प्रॉफिट्स कमाए साल में, 1,30,000, जिसमें से 60,000 मैंने जनरल रिजर्व में डाल रखा है और 70,000 का मेरा सरप्लस पड़ा है. तो मेरे रेवेन्यू प्रॉफिट्स निकल गए 1,30,000. यहां तक समझ में आया? यस मैम. अब मुझे इसके भी दो हिस्से करने हैं और मुझे इसके भी दो हिस्से करने हैं. एक होल्डिंग में जाएगा, एक सब्सिडियरी में, एक होल्डिंग में और एक सब्सिडियरी में. मुझे उसके लिए देखना है कि शेयर कितना है. ये जो मुझे शेयर कैपिटल दे रखी थी 10 लाख की, ये मुझे शेयर्स दे रखे हैं जो एक शेयर कितने का है, 100 का. अगर 100 का एक शेयर है तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 10,000. 10,000 में से इन्वेस्टमेंट कर रखी है 7,500 शेयर्स में, तो कितने परसेंट होल्डिंग आ गई, 75% होल्डिंग आ गई. तो 75% होल्डिंग का शेयर है और 25% किसका है, माइनॉरिटी का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 2,15,000 का 75% निकाल लेती हूँ. तो 2,15,000 का 75% कैलकुलेट कर लेंगे हम, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, होल्डिंग कंपनी का शेयर. ये आ गया मेरे पास 1,61,250. और जो बाकी बचा हुआ शेयर है वो मेरा आ जाएगा माइनॉरिटी का. तो माइनॉरिटी का शेयर आ गया 2,15,000 का निकालना है मुझे, दैट कम्स टू 53,750. इसी तरह से 1,30,000 का निकाल लेंगे, 1,30,000 का 75% ये आ गया 97,500 और 1,30,000 का 25% ये आ गया मेरे पास 32,500. पहले बताओ यहाँ तक कैलकुलेशन समझ में आई? यस मैम. अब हमने क्या निकालना है, अब हमने निकालना है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट. ये दो चीजें निकालने के बाद नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट. तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ और फिर उसको हम सॉल्व करते हैं कि हमारे पास क्या क्या निकला. कैपिटल प्रॉफिट्स हमारे निकले थे 2,15,000, जिसमें से होल्डिंग का शेयर है 161,250 और सब्सिडरी का शेयर है 53,750 और रेवेन्यू प्रॉफिट्स हमारे निकले हैं 1,30,000, जिसमें से होल्डिंग का शेयर है 97,500 और सब्सिडरी का शेयर, सॉरी माइनॉरिटी का शेयर है, नॉट सब्सिडरी, माइनॉरिटी का शेयर है हमारे पास 32,500. तो ये करने के बाद अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट. सो वी विल कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन वी विल मेक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. सो लेट अस कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल. कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने के लिए हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट.
वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मुझे दे रखी है 9,50,000। माइनस करना है मुझे इसमें से लेस पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी, और जो दे रखी है मुझे 10 लाख, और 10 लाख का मुझे कितने परसेंट लेना है, 75%, सो दैट कम्स टू 7,50,000। साथ ही लेस करना है मुझे शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स इन होल्डिंग कंपनी, तो वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है 161,250। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ये आ गया हमारे पास 9,11,250। तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आ गई 38,750। समझ में आया? यस यस मैम। अब मुझे निकालना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। मैंने आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने का तरीका अभी तक जो बताया था उसमें क्या था कि हम सबसे पहले लेते हैं शेयर ऑफ कैपिटल। शेयर ऑफ कैपिटल है 25%, तो 10 लाख का 25% हो गया 2,50,000। उसके बाद आप क्या करते थे, रिजर्व्स का 25% ऐड किया, सरप्लस का 25% ऐड किया, अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस का 25% लेस किया। अब हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। कैपिटल लिखने के बाद जस्ट डू टू थिंग्स, ऐड शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट्स, क्योंकि हम सारी एडजस्टमेंट ऊपर ही कर चुके हैं, एड शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट्स एंड दैट्स इट। और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है माइनॉरिटी निकालने के लिए। तो माइनॉरिटी का हमारा शेयर था 2,50,000, इसमें से कैपिटल प्रॉफिट इसको मिला 53,750 और इसको रेवेन्यू मिला 32,500। इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3,36,250। यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, सो नाउ आई एम राइटिंग हियर, जो जो हमने निकाला कॉस्ट ऑफ कंट्रोल दैट कम्स टू रुपीज 38,750, एंड देन आई हैव कैलकुलेटेड माइनॉरिटी इंटरेस्ट विच कम्स टू 3,36,250। अब ये करने के बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं शेयर कैपिटल, ठीक है? और शेयर कैपिटल जब हम लिखेंगे तो हमारे पास होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल है 25 लाख। सो आई विल राइट हियर 25 लाख, वन नंबर डाल देंगे इसको और इसको लिख देंगे 25 लाख। देन हम लिखते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस, एंड वी राइट इट एट नंबर टू। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस मेरे पास कितने थे, अब मुझे यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट्स में बनाना है नंबर टू रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो 5,50,000 मेरे पहले थे होल्डिंग कंपनी के, ठीक है? होल्डिंग कंपनी के P&L मेरे पास थे 2 लाख के, और इसमें मुझे ऐड करना है कौन सा शेयर, होल्डिंग कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट्स का शेयर, दैट इज 97,500। अब देखो इसका ट्रीटमेंट हम कर चुके थे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते टाइम, इसको हमने लिख दिया था माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, इसको हमने लिख दिया था माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, सिर्फ यही वाला बचा था 97,500, ये हमने यहाँ रिजर्व्स में ऐड कर दिया, और इन सब का टोटल आ गया हमारे पास 8,47,500। उसके बाद ये भी हो गया, रिजर्व्स हो गया, सरप्लस हो गया, देन ट्रेड पेबल्स। You will write here trade payables. Trade payables से पहले हम लिखते हैं minority interest. So I will write here minority interest at number 3, जो कि मैंने calculate करके रखा है 3,36,250. Then I'll write trade payables. इनके notes to accounts में totaling करके number डाल देंगे आप, वो मैं सारे अब यहाँ पे करके नहीं दिखा रही हूँ आपको। 2,25,000 एंड 2 लाख, ये आ गया आपके पास 4,25,000। तो आपकी लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई, इसको टोटल कर दोगे आप
नाउ कम टूवर्ड्स द असेट साइड. तो सबसे पहले आपको फिक्स्ड असेट्स दे रखी हैं 22,25,000 and 12 lakh. तो ये टोटल आ गया आपके पास फिक्स्ड असेट्स. नंबर 5 पर लिख दिया मैंने 34,25,000. देन मेरी इंटेंजिबल असेट्स आ जाएंगी, दैट इज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जो मैंने निकाली थी विच इज 38,750, यहाँ से आ जाएगी ये. ठीक है, देन मुझे दी हुई हैं करंट असेट्स विच इज 3,00,000 and 3,45,000. तो ये मेरे पास आ गई 6,45,000. आई एड दिस 4,10,875,000 एंड दैट्स इट. हाँ जी, समझ में आया? यस मैम. यस मैम. एनी कंफ्यूजन? नो मैम.